जो सर कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस पिछले एपिसोड में हुआ था कि माइकल का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था मिलिट्री कर्नल के ऊपर। उसी के साथ इसने एक प्लान बनाया कि मिलिट्री कर्नल को आज हम मार देंगे। उसी के साथ है ना, इसने एक और प्लान बनाया कि मिलिट्री बेस में घुस के मारा जाए ना तो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो गाइस हमने किया ये कि अपने जितने भी बंदे हो सकते थे, मतलब जितने भी गैंगस्टर थे, मेन गैंगस्टर थे, उनके बंदे नहीं, जो मेन गैंगस्टर थे जैसे माइकल, फ्रैंकलिन और माफियाज, उसी के साथ ही भाई सब इन्होंने अटैक कर दिया मिलिट्री बेस के ऊपर और भाई सब वहाँ पर मिलिट्री कर्नल को मार दिया। उसके बाद हमारे पीछे पुलिस लग गई और माइकल काफ़ी ज़्यादा देर भागा और पुलिस से छुटकारा पा लिया। तो ठीक है, अब बारी यहाँ से नीचे उतरने की, तो जल्दी जल्दी भागते हैं। ओके, मैं इस ट्रॉली के अंदर आ चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ से जंप लगा कर जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, इतनी भी नहीं है, लेकिन अगर मैं गिर सकता हूँ, लेकिन परफेक्ट भाई से एकदम अच्छी तरह से मैं नीचे आ चुका हूँ। उसी के साथ मैंने लेस्टो को लगाया और लेस्टो को बता दिया कि मैंने मिलिट्री कर्नल को मार दिया है। उसी के साथ मिलिट्री बेस में मैंने 2-3 बॉम्ब प्लांट किए जो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से ब्लास्ट हुए और पूरा पूरा मिलिट्री बेस है ना उड़ चुका है। उसी के साथ लेस्टर कह रहा है कि भाई सर सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, एक और काम करना है। उसी के साथ अगर वो काम नहीं किया ना, तुम 100% अभी भी फंसे हुए हो। तो लेस्टर कहना ये है कि जितने हमारे प्रूफ थे ना, वो FIB वालों के पास अभी भी है। उसी के साथ ही मिलिट्री कर्नल FIB के जरिए सारा का सारा काम करवा रहा था, क्योंकि उसको पुलिस पे भरोसा नहीं था, क्योंकि पुलिस इजीली बिक जाती है, इसलिए उसको पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था लॉस सैंटोस की। तो उसने FIB को काम इसलिए सौंपा था। हमारे घर पे जो पुलिस मतलब बंदे खड़े थे ना, वो भी FIB के थे। उसी के साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन हमारी FIB के पास ही है। तो लेस्टर कह रहा है मेरे पास एक काफ़ी खतरनाक वाला प्लान है, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पर बाइक कर आ रहा है, तो कहाँ गया? ओके, वो पीछे की तरफ रह गया। तो ये ले बेटा, तो ख़त्म, ये बंदा मर चुका है, अब हमें इजीली बाइक मिल जाएगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और बेटा बैठ मत, इस पर मत बैठ भाई, ये मैंने तुझे मार कर छीनी है। उसी के साथ ही आप जल्दी जल्दी यहाँ से भगा लेते हैं, चलते हैं लेस्टर के पास और लेस्टर चल के प्लान पूछते हैं, और अच्छा खासा प्लान होगा। तो भाई सब देख लेंगे हमें क्या करना FIB से, जितने भी सीक्रेट थे ना हमारे, या फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारी, वो हमारे पास वापस कैसे आए। अगर वो नहीं आई ना, तो FIB वाले मतलब हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरे वाला केस कर सकते हैं, और मंडे को हमारी वैसे भी हमें कोर्ट में जाना है। तो जल्दी जल्दी अगर सारे का सारा शॉर्ट आउट नहीं किया तो भाई साहब माइकल 100% फंसेगा। तो देखते भाई जो कुछ होगा ना, वो तो भाई सब मंडे को होगा, लेकिन उससे पहले जितने इन्फॉर्मेशन, जितने सबूत हमारे खिलाफ, सब कुछ हमें मिटाने पड़ेंगे। तो गाइस आपको क्या लगता है कि हमें ये सारे सारे सबूत मिटा पाएंगे? उसी के साथ ही हमें FIB से साबित के सारे सबूत कैसे लेने चाहिए, क्योंकि FIB में हमारे का दोस्त तो है, लेकिन भाई साहब इतनी ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर नहीं है कि वो सारे सबूत डिलीट कर दे। तो मेरे अभी तो कोई प्लान मेरे पास तो नहीं है, लेकिन लेस्टर ने 100% बना लिया होगा। तो ठीक है, जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को भगाते हैं, चलते हैं लेस्टर के पास और लेस्टर चलकर मिल लेते हैं। राइट गाइस, बाइक को भगाते हैं पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के बेस पर। उसी के साथ ही वहीं पर चल के मुझे लेस्टर से बात करनी है। तो लेस्टर ने लोकेशन तो मुझे यही दी है, उसी के साथ ही कुछ कह रहा है कि कुछ टीममेट्स भी चाहिए उस प्लान को लेकर। तो भाई साहब वो भी लेस्टर खुद ही जुगाड़ करेगा। फ्रैंकलिन को कॉल मैंने कर दिया है, ट्रेवर अभी बाहर है, तो ट्रेवर को हम नहीं बुला सकते। तो ठीक है, फ्रैंकलिन को तो कॉल कर दिया है, तो फ्रैंकलिन ज़रूर आने वाला। तो ठीक है, अपनी बाइक को ना यहीं पर पार्क करते हैं। भाई साहब ये बंदा इतनी दूर का बिना हेलमेट के आ रहा था, यहाँ पे आकर इसने हेलमेट पहना, तो भाई साहब उतार दे यार इसे। तो ठीक है, मैंने इसे उतार दिया। उसी के साथ ही अब मैं जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं, देखते हैं लेस्टर क्या कर रहा है, लेस्टर के पास है ना कौन सा प्लान है। तो ठीक है, चलते बात करते हैं। उसी के साथ ही यहाँ पर लेस्टर खड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ एक इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है बंदा। तो ठीक है भाई, सब कुछ पेपर्स हैं, तो शायद इसे काम के होंगे, और इसने पूरी पूरी जगह ना खाली कर रखी है। तो ठीक है, उसी के साथ ये बंदा कह रहा है कि इसके अभी ना मुझे यहाँ पर तो आग लगानी पड़ेगी, उसके बाद हम दोबारा से सेटल कर सकते हैं, क्योंकि आग लगा देंगे ना तो यहाँ पर जितने प्रूफ थे ना वो मिट जाएंगे यहाँ के। तो उसी के साथ ही यहाँ पर इसने भाई सब ऑयल ले रखा है, इसमें आग लगाने वाला है यहाँ पर पूरी पूरी जगह पे। उसी के साथ ही ये जो प्लान है ना, ये कह रहा है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ठीक है, प्लान बताना स्टार्ट कर रहा है। तो भाई साहब पूरी पूरी जगह एकदम खाली करवा रखी है, जितना भी सामान था, बुक्स थी, यहाँ पर मशीनें थी, जितना भी इसका काम का सामान था, वो सारा का सारा इसने ये मतलब कहीं और रखवा दिया है। और यहाँ पर ये कह रहा अब मैं इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर ये कह रहा प्लान मैंने तुम्हें बता दिया है, अब फ्रैंकलिन का वेट करते हैं, फ्रैंकलिन को आने देते हैं। तो ठीक है भाई साहब, यहाँ पर फ्रैंकलिन कब तक आएगा? जब तक ये लोग बातचीत कर रहे हैं तो फ्रैंकलिन भी मेरे हिसाब से थोड़ी देर में आ ही जाएगा। फ्रैंकलिन को मैंने काफ़ी देर पहले कॉल की थी। तो ठीक है भाई सब, यहाँ पर माइकल इसके मज़े ले रहा है। उसी के साथ फ्रैंकलिन आ चुका है,
तो ठीक है, फ्रैंकलिन ने प्लान मेरे हिसाब से लास्ट टाइम फ्रैंकलिन को प्लान बता दिया होगा, फ्रैंकलिन को पूरी तरह से पता है। तो गाइस मुझे फ्रैंकलिन को एक लोकेशन पर जाना है, वहीं पर चलकर हमें एक हेलीकॉप्टर मिलेगा। इस जो मिशन है ना, इसमें हमें हेलीकॉप्टर की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से आग निकाल मतलब लगा कर निकल जाऊँगा, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है ना मैं तुम्हें भाई सब लूट के मतलब तुम्हारे कॉन्टैक्ट के द्वारा दिए जाऊँगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सब ठीक है, भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो फ्रैंकलिन हमारे पीछे पीछे, और यहाँ पर ओके अंधेरा हो गया भाई, इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया भाई हमारा, मुझे तो लगा ही नहीं था अंधेरा, मुझे लगा शाम हुई होगी, लेकिन भाई साहब यहाँ पर आने में इसने प्लान बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया है। तो ठीक है, यहाँ से जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को स्टार्ट मैंने कर दिया, और यहाँ पर जो स्पीड है ना इसकी 60 किलोमीटर पर आवर, ओके भाई साहब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जा रही है भाई ये। तो ठीक है, ये जितना मिशन है ना हमें रात रात में कंप्लीट करना है, उसी के साथ ही रात, ओके मैं थोड़ा सा आगे चला गया, तो ठीक है मुझे यहीं से ऊपर लेना है। तो सिर्फ रात का टाइम है, अगर उससे ज़्यादा टाइम लगाना है तो मतलब ये मानो हम फंसेंगे, क्योंकि दिन में ना पुलिस इधर उधर चक्कर लगाती रहती है। उसी के साथ ही भाई साहब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो ठीक है, लास्ट प्लान ये है कि हम FI बिल्डिंग में घुसेंगे और हो उसका तो उनका सारा सारा डाटा चुरा लेंगे या फिर डिलीट कर देंगे, वरना पूरी पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ठीक है गाइस, ओके वो भाई ट्रक वाले क्या कर रहा तू? तो मुझे यहाँ से नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है? तो एक मिनट, नहीं मुझे नीचे मतलब नीचे ही जाना, ऊपर नहीं जाना था। ओके मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, तो ठीक है एकदम परफेक्ट है, मैं यहाँ से नीचे जा सकता हूँ। उसी के साथ ही मैं कह रहा था कि हमें ना कैसे करके पूरा पूरा डाटा हमारे पास होना चाहिए, या फिर हम उसे प्रॉपर तरीके से डिलीट कर देंगे। तो जो भी हुआ, अगर हम उसे हैक कर पाए ना तो हैक करके डिलीट कर देंगे, या फिर एक्सेस कर लेंगे, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से तो मिटा देंगे, हमारे पास आ जाएगी। उसी के साथ या फिर पूरी पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके कारण ना किसी को भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो वो तो वहीं पर चलकर पता चलेगा कि उसे हैक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी या फिर नहीं होगी, माइकल फंसेगा या फिर FI भी मरेंगे। तो देखना यही है। तो ठीक है यहाँ पर ओके सीधा ही चलना, अभी तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और यहाँ पर रास्ता ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें आ रही है। तो ठीक है जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी। और राइट गाइस, अपनी गाड़ी को भगाते भगाते हम उस लोकेशन पहुंच चुके हैं जो हमें लेस्टर ने दी थी, इसका नाम है गवर्नमेंट फैसिलिटी। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर माइकल ने दोबारा से किसी को कॉन्टैक्ट किया है और बंदों को कह रहा है भाई साहब जितना जल्दी होना सारा का सारा प्लान अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, और जो हेलीकॉप्टर को जल्दी से जल्दी तैयार कर लो। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर है ना मुझे थोड़ा सा अंदर चलना है। तो ठीक है यहाँ पर ओके, यहाँ पर खुला हुआ मुझे लगा डोर, नहीं यहाँ पर बंद है थोड़ा सा, तो इसको मैंने तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे तरफ चलते हैं, उसी के साथ यहाँ पर पैदल जाऊँ या फिर गाड़ी में? तो ठीक है एक बार पैदल उतर कर देखता हूँ। तो ठीक है आगे चलते हैं, उसी के साथ ही यहाँ पर पैदल नहीं जाने देता, गाड़ी में एक्सेस मिलेगी। तो ठीक है जल्दी जल्दी दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अंदर चलते हैं भाई साहब, और क्या ही करें अब ना अंदर हमें सिर्फ गाड़ी में जाना है। तो ठीक है यहीं पर हमें कुछ एक टीममेट्स मिलेंगे जो नए हैं हमारे लिए, तो ये सारे सारे लेस्ट ने पहले से तैनात कर रखे हैं यहाँ पर, यही हमारा मिशन में साथ देंगे। तो ठीक है जल्दी जल्दी यहाँ से उतरते हैं, इन बंदों से बात कर लेते हैं। उसी के साथ ही यहाँ पर अंदर जा चुके हुए लोग, तो भाई साहब ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। और राइट गाइस यहाँ पर माइकल ड्रेस चेंज करके आ चुका है, उसी के साथ ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर तैयार। तो ठीक है माइकल को ही चलाना है और तो कोई बंदा चलाएगा नहीं। तो ठीक है गाइस यहाँ पर जिस लोकेशन जाना वहाँ तो मैं संभालूंगा, उसके बाद हम एक बंदे को लेकर आए जो यहाँ का को पायलट है, तो उसको हम सौंप देंगे, हम चल पड़ेंगे FIB बिल्डिंग के अंदर। तो नीचे से घुसना काफ़ी मुश्किल हो सकता है लेकिन ऊपर से जाना काफ़ी आसान होगा। तो ठीक है गाइस यहाँ से हमारे पास दो प्लान थे, पहला प्लान हम नीचे से घुसेंगे, उसी के साथ वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, उसी के साथ ही मुझे लगता था वो इम्पॉसिबल है एक तरह से, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा बंदे होंगे, पुलिस वाले भी आ सकते हैं, लेकिन हम ऊपर से जाएंगे ना तो जो मेन ऑफिसर उनका एकदम हेड पर है, एकदम मतलब ऊपर वाली बिल्डिंग में, अगर वहाँ पर जाकर हम सारा सारा डाटा ले लेंगे तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है हमारा प्लान ये है कि हम बिल्डिंग में ऊपर कूदेंगे, उसी के साथ ही हेलीकॉप्टर भी साथ के साथ हमारे ऊपर ही आ जाएगा, हम बिल्डिंग का कांच है वो तोड़ेंगे और अंदर जाकर सारा सारा डाटा ले लेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल लेंगे, बस ये प्लान है। तो ठीक है यहाँ पर भाई साहब इन्फॉर्मेशन अभी भी चल रही है कि देने लग रहा लेस्टर। तो ठीक है भाई सब यहाँ पर है ना सामने तो जो सर्कल देख रहे हो ना वहाँ तक मुझे चलाना है, उसके बाद मुझे यहाँ से जंप लेने रहा है दूसरे बंदे को हेलीकॉप्टर सौंप कर। तो इस हेलीकॉप्टर को इतने ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट, हम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से कूदेंगे ना तभी FIB बिल्डिंग पर पहुँच पाएंगे, अगर काफ़ी ज़्यादा नीचे से कूदना तो FIB बिल्डिंग तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि FIB बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऊँची है। तो ठीक है भाई साहब यहाँ से जल्दी जल्दी भगा लेते हैं,
उसी के साथ हेलीकॉप्टर स्पीड भी काफी ज्यादा बेहतर 100 किलोमीटर पर आवर 120 130 भाई 140 150 क्रॉस कर गई भाई। और यहाँ पर अभी भी जाए जा रही 170 हो चुकी है 180। ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा स्पीड से जा सकता है भाई अगर इसे ले जाए तो। उसी के साथ ही अब है ना प्लान चेंज, मतलब प्लान की बारी आ चुकी है। मुझे यहाँ से जंप लेना है, अपना पैराशूट उठा लेता हूँ। फ्रैंकलिन ने पैराशूट उठा लिया है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे लोग। तो भाई साहब तुम भी काम कर लियो, तीसरा जो बंदा इसको कह रहा हूँ मैं। तो ठीक है भाई फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी कूद, फ्रैंकलिन कह रहा है डर लग रहा है। तो फ्रैंकलिन मुझे धक्का देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, फ्रैंकलिन ऐसे जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं धक्का दे दूँ, ये ले भाई, तो मैंने इसका लात मार दी। तो फ्रैंकलिन जा चुका है, उसी के साथ ही एक और बंदा जा चुका, अब मेरी बारी है। तो तीन बंदे हम नीचे जाएंगे, एक बंदा हेलीकॉप्टर के अंदर ही रहेगा। तो ठीक है मैंने अपना पैराशूट खोल लिया है, उसी के साथ एकदम मतलब वाइस रूफ पर लैंड करना है। तो अगर ऊपर से नीचे गिरे तो हालत ख़राब है, उसी के साथ ही FIV पकड़ेंगे अलग से। तो वाइस यहाँ पर बिल्डिंग देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, तो वाइस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली इस मिशन में। तो आज से पहले इतना ज़्यादा खतरनाक मिशन ना तो किया था, और मेरे हिसाब से आगे भी नहीं होगा क्योंकि इतना ज़्यादा भयंकर आगे खत्म बता नहीं सकता, लेकिन अभी तक तो हमने इतना ज़्यादा खतरनाक मिशन किया नहीं है। तो ठीक है जो भी बंदे ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडली जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो एकदम टॉप पे ही उतरेंगे। वो माइकल के ऊपर, माइकल कहाँ पर उतरेगा? तो भाई साहब ठीक है थोड़ा सा नीचे लेता हूँ मैं। ओके अब थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, डन। मेरे हिसाब से मैं ऊपर लैंड कर जाऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर लैंड नहीं करता हूँ, मैं दूसरी तरफ लैंड कर लेता हूँ। तो ठीक है मैं यहाँ से घुमा लेता हूँ, थोड़ा नीचे चलता हूँ, कहीं नीचे ही तरफ बंदा खड़ा उसको भी मुझे निपटाना पड़ेगा। तो ठीक है मैं एकदम लैंड करने वाला था, अभी मैंने एकदम से ऊपर उठा लिया, उसी के साथ ही अब मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे होकर यहाँ पर लैंड कर लेता हूँ, डन। लैंड करने के चक्कर में मुँह फूट गया भाई मेरा। तो ठीक है यहाँ पर सीढ़ियाँ, ओके सीढ़ियाँ मुझे मिल चुकी है। तो ठीक है जल्दी जल्दी चलते हैं, उसी के साथ ऊपर चलते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ कोई बंदा नहीं है, मैं यही देखने के लिए आया था नीचे की तरफ कोई बंदा हो या फिर ऊपर की तरफ हो। तो भाई सब कुछ कहीं पर भी बंदा नहीं है क्योंकि रात का टाइम है, किसी को भी शक नहीं होगा क्योंकि कोई यहीं पर भी आकर भाई सब कांच तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो ठीक है यहाँ पर कांच को निकालते एकदम इजीली, कोई ज़्यादा वो भाई सब कुछ नहीं करते। तो जो तीसरा बंदा ना इसने कांच को काट दिया है, और फ्रैंकलिन ने कांच उठा के साइड में रख दिया है। तो अब बारी यहाँ से जंप लगाने की। तो ठीक है माइकल ने जंप लगा दिया, माइकल नीचे भाई सब, कोई बंदा तो नहीं है ना यहाँ पे? ओके यहाँ पर कोई बंदा वैसे दिख तो नहीं रहा। तो ठीक है यहाँ पर मुझे सर्वर रूम पे चलना है। तो ठीक है मैं अपनी गन चेंज कर लेता हूँ, कि मैंने गन ले ली है, कोई बंदा ना हो बस इसी बात का ख्याल रखना है। तो ठीक है एकदम टॉप फ्लोर पे सर्वर रूम था, ओके ये रहा सर्वर रूम। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, ओके ठीक है यहाँ पर मैंने बम प्लांट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे तो टूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो डन मैंने बम प्लांट कर दिया है। अब मुझे कवर लेना पड़ेगा, तो ठीक है जल्दी जल्दी कवर ले लेता हूँ, ब्लास्ट डन ख़त्म। उसी के साथ ही यहाँ, ओ भाई सिक्योरिटी अलार्म बज चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे हैक करना है इसका पूरा सिस्टम को, अगर हैक कर लिया तो बिल्डिंग ब्लास्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, अगर हैक नहीं हो रहा तो बिल्डिंग ब्लास्ट करनी पड़ेगी। तो ठीक है सबसे पहले भाई से इसको मोबाइल से हैक करते हो, ओके माई कंप्यूटर इसको ओपन करते हैं। तो ठीक है तो सबसे पहले ओके यहाँ पर हैकिंग कनेक्शन, ओके इसको ढूंढना है। तो ऊपर तरफ सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे इसको ढूंढना है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा नंबर्स में ढूंढना थोड़ी सी दिक्कत का काम भाई, तो वैसे एक बार ट्राई करता हूँ भाई। ओके ये नहीं है, तो ठीक है अभी ये ही है। तो ठीक है भाई सब एक मिनट, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। तो एक मिनट भाई कहाँ पर है नंबर, मुझे ढूंढना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये रहा, वो एक मिनट भाई सब चला गया दूसरी तरफ चला गया, ये बार बार काफ़ी जल्दी से जा रहा भाई, इसको थोड़ा सा मुझे धीरे करके पकड़ना पड़ेगा। तो इसका कनेक्शन जल्दी जल्दी मुझे मिलाना पड़ेगा, वरना भाई साहब टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम। ओके ये डन हो चुका है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, तो इसको भी जल्दी जल्दी हैक कर लेते हैं। तो ठीक है फर्स्ट कलेक्टर हमने कंप्लीट कर दिया, सेकंड कमर दिया उसे, ओ भाई ये कलर दोबारा से रॉन्ग हो गया, तो मुझे दोबारा से मिलाना पड़ेगा। तो ओके सी आर ई, ओके ठीक है ए, ओके डन हो चुका है एम। तो भाई साहब ठीक है भाई साहब, ओके पी और अब आई, ओके ठीक है डन कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ यहाँ पर हमने हैक कर लिया, अब बारी है सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट करने की, अपने मोबाइल में ऐड करने की। तो ठीक है भाई सब यहाँ पर टाइम लग रहा है, तो ठीक है यहाँ पर कुछ एक बंदे बाहर आ चुके, तब तक उनका मुंह तोड़ते हैं और यहाँ पर टाइम लगता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। माइकल ने यहाँ से गन उठा लिया, बारी तरफ रख दी थी, ओके कुछ एक बंदे हैं। तो ठीक है आओ भाई जल्दी, ओके वो बंदा आया तो यहाँ से गया भी, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं भाई, आओ जितने बंदे आओ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्लान है, डायरेक्ट हम यहाँ से ऊपरी तरफ से निकल जाएंगे। उसी के साथ ही ऊपरी तरफ भी बंदे आ चुके भाई,
तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर वाले को अभी लैंड नहीं करना, जब हम कहेंगे ना तभी लैंड करना। सबसे पहले ऊपर वाले जितने बंदे ना इनको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ कर निकल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आसान ये लग रहा था ना उतना ज़्यादा आसान नहीं है, तो दिक्कत आगे भी आने वाली है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर भाई साहब पुलिस वाले हेलीकॉप्टर में हमारा पीछा कर सकते हैं, क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर स्वैट सोल्जर्स भी आ रहे हैं और FIB के बंदे तो आ ही रहे हैं। तो ठीक है, बंदा पीछे छुप जाता है पेड़ के अंदर। सबसे पहले जितने पेड़ हैं इनको तोड़ देता हूँ मैं। तो अब तो कोई बंदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई साहब आ रहा है तो जल्दी जल्दी आओ, अगर नहीं आ रहे तो रहने दो। उस तरफ कोई बंदा आ गया, ऊपर की तरफ कुछ ये बंदे हैं। तो भाई साहब उनको पता नहीं गोली लगेगी या फिर नहीं। उसी के साथ यहाँ पर जो हमारा बंदा है उसने लैंड कर दिया है। और यहाँ पर एक और बंदा, ओ भाई इसने मिसाइल चला दिया, हमारा हेलीकॉप्टर था उसके ऊपर मिसाइल चला दिया। हमारा हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसी के साथ हमारा जो प्लान है वो फेल हो चुका है। ओ भाई ये कहाँ जाकर टकरा है? ओके FIB बिल्डिंग में जाकर टकरा चुका है और FIB की बिल्डिंग का मेरे साथ एक दो फ्लोर डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। तो हमें सिर्फ नीचे से उतरना पड़ेगा और कहीं से हम उतर नहीं सकते। जो प्लान मैं सोच गया और मैं और लेस्टर सोच के आए थे भाई, सो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमारे लिए दिक्कत बढ़ चुकी है। तो ठीक है गाइस, मरना तो है नहीं, जितना जल्दी होना इन सबको मारते हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता बनाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने धुआं कर दिया, तो पता नहीं कहाँ खाओगे। मैं धंधा धुंध फायर कर रहा हूँ भाई, तो कोई बंदा मिल ले तो यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर स्मोक भी कम हो जाएगी। उसी के साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर काम कंप्लीट हुआ या फिर नहीं, तो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर कोई बंदा तो नहीं है। सबसे पहले मुझे यहाँ के सारे बंदे डिस्ट्रो मतलब ख़त्म करने हैं, उसके बाद ही मैं देखने के लिए जाऊँगा कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। ओके ये कंप्लीट हो चुका है, माइकल अंदर आ चुका है, सब कुछ डाटा यहाँ से डिलीट हो चुका है और हमने अपने मोबाइल के अंदर भर लिया है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। तो अब जल्दी जल्दी मुझे एस्केप करना पड़ेगा यहाँ से, हमें एकदम टॉप फ्लोर पे। मुझे नहीं पता FIB बिल्डिंग में कितने फ्लोर है टोटल, उसी के साथ ही यहाँ पर है ना अब है ना मुझे एक एक फ्लोर करके कंप्लीट करना पड़ेगा। जितने बंदे उनको मारना पड़ेगा और यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। कोई बंदा नहीं है ना यहाँ पे? ओके एक बंदा है और भाई सब यहाँ पर इन्होंने बचा दिए और मैंने इस बंदे को ख़त्म कर दिया। तो ठीक है, कोई फायरिंग करा तो ये ले बेटा, तो डन ख़त्म। ये बंदा इतने ज़्यादा ईजिली मर जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। तो ठीक है भाई साहब, जल्दी जल्दी डोर खोलो, मैं देख लूँ जो भी होगा। तो ये ले, ओके ओके कोई बंदा था मेरे हिसाब से नीचे, इसने फायर करके मार दिया है और ये स्वैट शोल्डर था। उसी के साथ ही अब इस डोर को भी खोल दो, कोई बंदा होगा तो मैं सुलटा दूँ। ओके भाई साहब हम भी अंदर दोनों फायरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर कोई बंदा होगा ना भाई ऐसे ही मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बंदे आएंगे हम इजीली निपटा सकते हैं उन लोगों। उसी के साथ आगे तरफ तो कोई बंदा नहीं है ना। ओके यहाँ पर हेलीकॉप्टर आगे गिरा और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन देखो कितना ज़्यादा खतरनाक हो रखा भाई, सारा सारा माहौल। कुछ तो रात हो रखी है और यहाँ पर एकदम अंधेरा हो चुका, थोड़ी बहुत आग लग रही है उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई और बंदा, ओके यहाँ पर एक बंदा, तो भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करें। बच गया भाई, ये बंदा मेरे तरफ फायरिंग करना स्टार्ट कर रहा था तो मैं बच गया। उसके साथ कहाँ रह गए बंदे? तो भाई जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। ओके ये बंदे आ रहे हैं, तो ठीक है हम भी इसके पीछे पीछे चलते हैं, थोड़े इनके आगे रहने देते हैं। उसी के साथ ही भाई साहब इनको सारा कवर देने साथ कवर देकर चलना पड़ता है। ओके जो हेलीकॉप्टर मतलब टकराया था ना वो यहीं पर है। तो भाई सब कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो ठीक है फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा भाई? ओके वो भाई फ्रैंकलिन तो आगे बढ़ा और यहाँ पर हेलीकॉप्टर नीचे जाकर गिर चुका है थोड़ी सी, मतलब भाई सब यहाँ पर ज़मीन टूट के नीचे गई। ओ भाई कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। तो ठीक है भाई सब यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलते हैं। उसी के साथ ही यहाँ पर पैराशूट हमारे पास नहीं है, जिसकी मदद से हमने पैराशूट था वो हमने यूज़ कर लिया है, दोबारा से हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ठीक है जल्दी जल्दी नीचे चलते, कोई बंदा ओके एक बंदा आया तो ये ले बेटा ख़त्म। ओके उस तरफ से बंदा आया ये भी ख़त्म, और कोई हो तो जल्दी जल्दी आओ भाई, इतना ज़्यादा टाइम मत लगाओ। FIB में इतने ज़्यादा कम बंदे भर्ती कर रखे क्या? ओके यहाँ पर एक बंदा है, ओके ये इसको ठीक कर रहा है भाई, तो ये तो मर गया। अब चलते आगे की तरफ। उसी के साथ ही यहाँ पर भाई साहब कितना ज़्यादा खतरनाक सीन हो रखा है। तो कोई बंदा ओके ये बंदा ख़त्म, और कोई है मेरे हिसाब से तो नहीं है, जितने भी थे हमने सारे सारे मिटा दिए ख़त्म कर दिए हैं। उसी के साथ ही भाई साहब आगे, ओके इन लोगों ने मार दिया यहाँ पर। तो ठीक है भाई साहब मर गया, आपको बार बार क्यों गोलियां वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ठीक है आगे तरफ। ओके भाई साहब यहाँ पर बंदे आ चुके हैं, तो एकदम सिर पे हमारे भाई ये बंदा ख़त्म हो चुका है, अच्छी बात है। तो ठीक है अब आगे तरफ चलते हैं। उसी के साथ यहाँ पर कोई और बंदा ना वो भी देख लेते हैं, तो कोई है नहीं ना, तो नहीं यार इस तरफ दिख नहीं रहा। ओके यहाँ से कुछ एक बंदा आ रहा है, एक ही बंदा है, कुछ ही कह रहा था मैं एक ही बंदा है। दरवाज़ा खुला था, मुझे लग रहा काफ़ी और बंदे होंगे, तो ठीक है वहाँ पर चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फायरिंग तो काफ़ी ज़्यादा कर दी लेकिन बंदे लेट आए। ओके यहाँ पर ओके मुझे लगा हमारा जो बंदा था ना ये मर चुका है,
लेकिन भाई से इसको थोड़ी गोली टच होके निकली, इसका बाद में उठ चुका है बंदा, उसी का साथ ही यहाँ पर कोई है तो ठीक है। यहाँ पर भाई से सीढ़ियाँ आ चुकी है, तो सीढ़ियों के जरिए हम जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर कोई बंदा होगा ना उसको भी जल्दी जल्दी निपटा देंगे भाई। तो ठीक है, यहाँ पर बंदे पहले से मरे पड़े हैं, पीछे की तरफ कोई नहीं है, अब आगे तरफ चलकर देखते कोई है या फिर नहीं है। एक बार यहाँ से निकल जाए तो माइकल की लाइफ से प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी। तो भाई सब ठीक है, यहाँ पर एक बंदा था ये मैंने मार दिया है, तो एक ही बंदा था यहाँ पे, ओके दूसरा बंदा इस तरफ है तो इसको मैंने मार दिया, डन। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदों को हमने मार दिया, इसकी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी है। हम सिर्फ डाटा लेने आए थे, हमें डाटा मिल चुका था, हम हेलीकॉप्टर पकड़ के निकलने वाले थे, हेलीकॉप्टर भाई सब डिस्ट्रॉय कर दिए इन्होंने। तो ठीक है भाई सब यहाँ से रस्सी ढूंढते हैं, तो ठीक है यहाँ से प्लान बना, इन बंदों के पास रस्सी है भाई, मैं ढूंढने ही कह रहे थे बंदे रस्सी लेकर आए हुए हैं। तो ठीक है, इनको शायद लग रहा था पहले से कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसे, तो जुगाड़ बांध कर चले थे। तो फ्रैंकलिन को काफ़ी गोलियां लगी हुई भाई, तो फ्रैंकलिन थोड़ा सा सीरियस कंडीशन में है। तो ठीक है, अब जल्दी जल्दी भाई, क्या गजब है भाई, कितना ज़्यादा स्पीड से बंदे जा रहे हैं उसी के साथ ही भाई, जल्दी जल्दी, क्योंकि नीचे तरफ पुलिस आ चुकी है भाई साहब, यहाँ से भी निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर पुलिस घूम रही है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हर तरह की चीज़ यहाँ पर आई हुई है। तो भाई सब ठीक है, जब तक ये आएंगे ना तब तक हम पीछे रास्ते से निकल जाएंगे। तो ठीक है, हम यहाँ से आ चुके हैं, पता नहीं कौन सा फ्लोर है, उसी के साथ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे ज़मीन हो भाई। ओके, एक हेलीकॉप्टर आ रहा है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो वरना काफ़ी ज़्यादा बुरे वाला मारेगा। ओके, मैं बच गया, मैं जो नीचे बैठा मैं बिल्कुल भी नहीं बैठा, और गोलियां एकदम साइड से गई हैं, लगी नहीं है, बस ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इस हेलीकॉप्टर को जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय करते हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और यहाँ पर आग लग चुकी है, ब्लास्ट होने की बारी आ चुकी है, डन, पूरा पूरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो चुका है। उसी के साथ ही अब है ना, जल्दी जल्दी चलते, कोई है और हेलीकॉप्टर है क्या? ओके, वो सामने तरफ हेलीकॉप्टर है, लेकिन मुझे अभी वहाँ पर नहीं जाना, तो ठीक है मैं यहाँ से जल्दी कवर ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से दोबारा से रस्सी बांधते हैं और नीचे की तरफ चल लेते हैं। तो ठीक है, मैं जल्दी यहाँ से जंप कर ली है, उसी के साथ ही वो लोग भी आ जाएंगे, तो सबसे पहले ना मुझे कुछ जुगाड़ लड़ाना पड़ेगा। ओके, फायर ब्रिगेड आई हुई है, एम्बुलेंस आई हुई है, और पुलिस वाले हैं, तो क्यों ना मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर निकल जाऊँ या फिर एम्बुलेंस लेकर निकल जाऊँ, तो पुलिस वालों भी लेके जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा शक पड़ेगा, लेकिन मैं एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड लेकर निकल सकता हूँ, ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। ओके, यहाँ पर कुछ बंदे सबसे पहले इनको निपटाते हैं, तो ठीक है यहाँ पर कोई और है भाई, तो मुझे तो लग नहीं रहा, उसी के साथ वहाँ पर कुछ बंदा मुझे दिखा, तो ठीक है भाई साहब यहाँ पर बंदे कवर ले रहे, तो एक दो दो तो मुझे दिखे, ओके तीसरा बंदा भी है जो कवर लिया हुआ है, तो ठीक है आगे चलते हैं भाई साहब। तो एक दो इस तरह का, ओके डन, खत्म, ये बंदा मर चुका है उसी के साथ है। अब मुझे कोई गार्ड ढूंढनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर एक एम्बुलेंस है शायद, ये बंदों को लेने के लिए बंदे गए हुए हैं, तो यहाँ पर है ना सबसे पहले इसको ओपन है या बंद है ये? ओके, ये खुली हुई है भाई, ये काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात है, तो भाई जल्दी जल्दी आकर बैठो। उसी के साथ ही भाई साहब यहाँ से हम इजिली निकल जाएंगे, पुलिस वालों को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। तो हमारा एक बंदा मारा जा चुका है, वो भी भाई साहब एक्सीडेंट में, क्योंकि हेलीकॉप्टर भाई साहब क्रैश हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका, उसके कारण पूरी पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, उसी के साथ ही भाई साहब काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ। हमें लगा था कि सिर्फ इतना काम करना है कि हैक करना है और हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहाँ पर सबसे पहले हमने हैक किया, और हैक इतना ज़्यादा मुश्किल करना नहीं था, और जैसे हैक किया ना उसके बाद भाई साहब किसी ने, मतलब कोई हेलीकॉप्टर आया, पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर आया, उसने हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर भाई साहब बाजूका चला दी, हमारा हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से टकराया और भाई साहब ब्लास्ट हो चुका, जिसके कारण बिल्डिंग के 2 से 3 फ्लोर डैमेज हुए बुरी तरह से, और भाई साहब यहाँ से हमारा निकला एक तरह से नामुमकिन हो चुका था, लेकिन ये बंदों के पास रस्सियाँ थी तो उसकी मदद से हम काफ़ी ईजिली निकल पाए। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई ना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। उसी के साथ ही डिस्कस में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, जाओ जाकर फॉलो कर लो। उसी के साथ ही आज भी नहीं मिलते हम किसी और वीडियो में, यहाँ से मैंने गलत घुसा दी भाई, मैं जाने वाला हूँ फ्रैंकलिन के घर पर, उसी के साथ थोड़ी घंटे 2 घंटे तो वहीं रहेंगे, उसके बाद देखेंगे, वहाँ से ड्रेस चेंज करेंगे और वापस अपने घर पर आ जाएंगे। तो ठीक है, आज भी नहीं मिलते हम किसी और वीडियो में।